शाहरुख खान फिर से कर रहे हैं कमबैक कुछ एक्शन तरीके में इस बार। जैसे कि आप लोग जानते हैं शाहरुख खान की कई सारी मीटिंगें हुई, इसमें कई सारी मूवियों का प्रपोजल रखा गया शाहरुख खान के सामने, लेकिन शाहरुख खान ने सारी प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसमें बात ऐसी किया हुआ क्यों ठुकरा है इस चीज के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सुजय घोष के साथ इनकी पिक्चर होने वाली थी द किंग मूवी, द किंग में भी काफी अच्छे रोल में नजर आने वाले थे शाहरुख खान, लेकिन उसके बाद सुजय घोष को छोड़ करके उसके बाद राजेंद्र डीके के साथ इनकी मीटिंग फिक्स हुई, उसके बाद द किंग मूवी को भी ठुकरा दिया, इससे अल्लाह मूवी को ठुकरा दिया, धूम 4 को ठुकरा दिया और टाइगर वर्सेस पठान को भी पीछे छोड़ दिया। नहीं ठुकराया नहीं किसी मूवी को, लेकिन पीछे छोड़ दिए राजेंद्र डीके के साथ मीटिंग होने के बाद। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह बनता है राजेंद्र डीके के साथ आखिर ऐसी क्या बातचीत हो गई शाहरुख खान की जो कि शाहरुख खान ने इतनी बड़ी बड़ी मूवी ठुकरा दिया। तो शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान तो देखो कर रहे हैं राजेंद्र डीके के साथ शायद मूवी कर सकते, लेकिन अगर हम राजेंद्र डीके की बात करते हो राजेंद्र डीके बहुत बड़ी बड़ी मूवियां दे दे जैसे शादी दिल एक मंदिर है और वक्त की दीवार, ऐसी ऐसी मूवियां दी हैं जो कि बहुत हिट हुई है और बहुत अच्छी मूवी है और इससे भी हिट मूवियों को दिया है राजेंद्र डीके ने। तो राजेंद्र डीके एक अच्छी स्टोरी मूवी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रचलित हैं और पूरी तरह से अच्छे फॉर्म में भी नजर आते हैं, इसलिए राजेंद्र डीके के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि अगली मूवी शायद शाहरुख खान की आ सकती है जो कि एक बेहतरीन अच्छी मूवी हो सकती है, एक्शन मूवी हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है पठान मूवी क्या कमबैक कर सकती है। देखो पठान मूवी का भी अभी साल में एक न्यूज जुड़ा कि पठान मूवी भी शायद कम पठान का दूसरा भाग भी कर सकते हैं शाहरुख खान। तो अगर पठान का दूसरा भाग कर सकते हैं शाहरुख खान तो भाई पठान जैसे आप लोग जानते हैं 2000 की सबसे हिट मूवी है, यानी 1800 करोड़ का यानी कि कमाई करके दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं 2023 की जो कमाई रही है इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूं तो 16 करोड़, वर्ल्ड वाइड की बात करता हूं तो 26 करोड़ कमा के दिया है शाहरुख खान ने 2023 में, जो कि भाई बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं शाहरुख खान। इसीलिए तो शाहरुख खान का ये प्रपोजल तो बहुत बड़े बड़े है, बड़े बड़े डायरेक्टरों से प्रोड्यूसरों से इनकी कंटिन्यू मीटिंग्स भी चालू है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है लास्ट पिक्चर अभी जो इनका परफॉर्मेंस होगा ये हमें इस फरवरी तक में ही कंफर्म हो जाएगी कौन सी मूवी शाहरुख खान कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही शायद राजेंद्र डीके के साथ मूवी कर सकते हैं शाहरुख खान, जो कि एक अच्छे मुद्दे पर मूवी बन सकती है। यानी राजेंद्र डीके की अगर बात करूँ तो राजेंद्र डीके एक्शन मूवी एंड कॉमेडी मूवी स्टोरी मूवी हर एक प्रकार की मूवी के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है। एक नहीं कई सारी मूवी ऐसी ऐसी दिया है जो कि बहुत ज्यादा हिट है, लोग को बहुत पसंद आती है, इसलिए उम्मीद है कि राजेंद्र डीके के प्रपोजल को शाहरुख खान अभी नहीं पीछे कर पाएंगे। हालांकि राजेंद्र डीके की मूवी की अगर एक्सेप्ट होती है तो उम्मीद जताई जा रही फरवरी से नहीं बल्कि मार्च से मूवी का स्टार्टिंग हो सकती है, मूवी की शूटिंग का काम चालू हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसमें थोड़ा सा मुद्दा तो होगा ही। देखो शाहरुख खान को अगर बात कर रहे हैं कि लंबी रेस के घोड़े है शाहरुख खान, लंबी रेस के घोड़े पर हर एक सवार होना चाहता है, यानी हर एक एक्टर जो है हर एक प्रोड्यूसर उन पर अपनी पिक्चरें बनाना चाहता है, सब कोई बनाना चाहता है। क्योंकि एक देखो सबसे बड़ा बॉलीवुड में क्या होता है नाम बिकता है, नाम के अलावा जो स्टोरी होती है मूवी को वो तो बिकती है लेकिन नाम काफी कमा के चला जाता है। अगर स्टोरी ने अपना नहीं कमाया तो 50-60 करोड़ रुपए नाम सिर्फ कमा के जाता है, ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी होती है। इसलिए शाहरुख खान की इस मूवी पर कौन कौन सा हर एक डायरेक्टर की अगर बात करूं ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार है। फिलहाल आप लोगों की नजरों में किसके साथ मूवी कर सकते हैं शाहरुख खान, किसके साथ नहीं अगर नॉलेज है तो हमें छोटे से कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर नहीं नॉलेज है तो राजेंद्र डीके के परफॉर्मेंस का हम इंतजार करेंगे, राजेंद्र डीके का प्रपोजल शायद शाहरुख खान नहीं ठुकरा पाएंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।